ओम शांति। जीवन में हर इंसान सफलता चाहता है। सफलता के बारे में कुछ लोगों के प्रश्न भी आए हैं। सफलता, तनाव, इसके ऊपर अगर हम कुछ बताएं तो। वैसे सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। धीरे धीरे हम कुछ कदमों पे चलते रहेंगे। सबसे पहले तो एक बात बहुत ज़रूरी है, वो है क्रिएटिविटी। कोई भी कार्य में आपको सफलता के लिए क्रिएटिविटी, जिसे रचनात्मकता कहते हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जो और लोग करके सफल हुए वो हम ना करें। कुछ हट के करने का हमारे में जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ अलग करना है। लकीर के फकीर बनने से कोई भी सफल नहीं होता। किसी की कार्बन कॉपी, जेरॉक्स कॉपी बनने से कोई भी सफल नहीं होता। जितने सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एकांत में कुछ ऐसी टचिंग पाई और उससे उन्होंने कुछ कार्य को शुरुआत किया और उसमें सफलता हुई। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो कोशिश करें औरों से कुछ हटके करने का, कुछ नवीनता के लिए। शुरू में जब भारत में चाय का प्रचलन था, बहुत चाय का उत्पादन होता था, चाय की पत्ती का, हमारे लोगों ने सोचा क्यों ना और कंट्रियों में भी ये चाय की आदत डाली जाए ताकि चाय का निर्यात किया जा सके। विदेश में बहुत बड़ा एक मेला लगा था, यहाँ के कुछ लोग गए, उस मेले में एक स्टॉल लिया और बोर्ड लगा दिया, हॉट टी अवेलेबल हियर, यहाँ पे गर्म चाय मिलती है। दो दिन तक उस स्टॉल पर एक भी व्यक्ति नहीं आया। कारण क्या थे? दो। पहला तो उस समय गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन में धूप में कोई गर्म चीज़ नहीं पीना चाहेगा। दूसरा कारण था, उन्होंने चाय नाम की कोई ड्रिंक होती है ये कभी सुना भी नहीं था। दो दिन तक जब कोई एक भी व्यक्ति उस स्टॉल पे नहीं आया तो जो यहाँ के डेलीगेट्स गए थे उन्होंने रात को सलाह की कि खाली हाथ तो वापस नहीं जाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सभी ने अपने अपने विचार दिए और एक नए निर्णय पे निकले और उसी रात जाकर उन्होंने एक नया बोर्ड बनवाया। बोर्ड के ऊपर लिखा कोल्ड टी अवेलेबल हियर। और उस स्टॉल में बहुत बड़े बड़े फ्रीजर जिसमें आइस क्यूब बनते हैं वो ला के रख दिए। दूसरे दिन जब मेला शुरू हुआ, लोगों ने बोर्ड देखा, एक नई कोल्ड ड्रिंक निकली है जिसके बारे में लिखा है कोल्ड टी अवेलेबल। अब कोई नई चीज़ निकलती है तो लोगों को उत्सुकता होती है। वो क्या करते थे, चाय को कांच के ग्लास में छान के और उसको ठंडा करके आइस क्यूब डाल के, और लोग आने लगे, टेस्ट करने लगे और लोगों को वो चाय बहुत पसंद आई और धड़ाले से उनके चाय के स्टॉल निकल पड़े। और आप सब जानते होंगे उसके बाद से ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर शहर के बड़े होटल्स में मेनू कार्ड में लिखा होता है कोल्ड टी, कोल्ड कॉफ़ी अवेलेबल हियर। हमारे भारत में तो गर्म चाय पी जाती है। अगर वो हॉट टी का ही बोर्ड लगा रहता तो वो कभी सफल नहीं होते। जब हटके कुछ सोचा, हटके किया तो वो चीज़ सफल हो गई और आज पूरी दुनिया में हॉट टी और कोल्ड टी, कोल्ड कॉफ़ी और कोल्ड टी पी जाती है। जीवन में आप भी अगर सफल होना चाहते हैं, कुछ ऐसा हटके करिए, तभी आप सफल होंगे। एक उदाहरण और आपको देना चाहूँगी। एक बच्चे ने ग्रेजुएशन किया। पिता ने पूछा, बेटा आगे क्या करना चाहते हो? बेटे ने कहा, पिताजी मुझे ना ढाबा खोलने की बहुत इच्छा है। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, ग्रेजुएशन किया है और ढाबा खोलेगा? कहाँ पिताजी, मेरी तो इच्छा है। अब बेटे की इच्छा के आगे पिता क्या कर सकते थे? पैसे थे उनके पास, उन्होंने हाईवे पे एक ढाबा खोल दिया। उसको ढाबा खोल दिया, अपने गांव चले गए।
छह महीने के बाद पिताजी के मन में ख्याल आया, जाकर देखूं बेटे ने कितनी तरक्की की है। और जब उस ढाबे पर वो पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, आधा सामान तो उस ढाबे का बिक गया था। 2 घंटे से 2 व्यक्ति बैठे थे सिर्फ एक एक कप का चाय लेकर। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, कहा बेवकूफ, तुझे कहा था ग्रेजुएशन किया है, कुछ और कर, ढाबा खोल के बैठा, 6 महीने में आधा सामान बिक गया, 6 महीने के बाद लोग तेरे को भी बेच खाएंगे। जो जो उनके मन में था वो बोलते रहे। बेटा वहां से निकल गया, और वो भी एक पेंटर की दुकान पे पहुंचा और पेंटर से कहा एक बोर्ड बनाना है। कहा क्या लिखना है? कहा लिखो बेवकूफ का ढाबा। और रातों रात उसने वो बोर्ड लगा दिया, बेवकूफ का ढाबा। नेक्स्ट डे लोगों ने देखा, ढाबे पे लिखा बेवकूफ का ढाबा, लोगों को एक मनोरंजन की बात लगने लगी। कहाँ जा रहे, चलना है क्या बेवकूफ के ढाबे पर? और इस तरह से उसका ढाबा बहुत धूमधाम से चल जा। जरूरी नहीं कि हम कोई ऐसी मजाकिया गलती करें, लेकिन था तो हट के ही ना। आखिर पिताजी की बात दिल में लग गई, बेवकूफ तुझे ये कहा था, तो उसको दिमाग में आ गया चलो बेवकूफ का ही ढाबा खोल देते हैं। दोनों केस में हम देख रहे हैं कि उन्होंने जहाँ हट के कुछ कार्य किया तो वहाँ सफलता मिली। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहाँ जहाँ लोगों ने कुछ नवीनता करने की कोशिश की है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की, वहाँ सफलता मिलती। और क्रिएटिविटी कब मिलती है? जब आपका मन बहुत शांत हो, मन में बहुत खलबली है, मन में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत तरफ विचार चल रहे हैं, आपके दिमाग में अच्छे आइडिया नहीं आ सकते, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी नहीं चल सकती। आप काम कर लोगे लेकिन वो ढंग का नहीं होगा, उसमें सफलता मिले ये जरूरी नहीं होगी। और मन की शांति कब होती है? मन शांत कब होता है? जब हम अपने मन को परमपिता परमात्मा से लगाते हैं, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से लगाते हैं, वो सुप्रीम पावर से लगाते हैं जो कि शांति का सागर है। और जब हम कुछ पल के लिए अपने मन को उस परमात्मा से लगाते हैं तो उस परमात्मा की शांति शक्ति हमारे अंदर आती है, मन शांत होने लगता है, इधर उधर की बातें मन से निकलते जाती है। और जब मन शांत होता है तो मन में ऐसे अच्छे अच्छे विचार आते हैं जो हमें सफलता के करीब ले जाते हैं। आप सबसे यही अनुरोध करूंगी, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं सबसे पहले तो अपने मन को शांत करिए। एक साथ 10 काम मत करिए, 1 by 1। एक में सफलता मिल जाए फिर थोड़ा बड़ा करिए, दूसरे में सफलता मिल जाए फिर बड़ा करिए। एकदम से बड़ा करने जाएंगे, लोग सोचते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन करते कुछ नहीं, या तो दिमाग में रह जाती या तो पेपर पे लहर जाती, प्लानिंग सारी लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। एक व्यक्ति अपने अंतिम स्टेज पे था, वो अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, पहले पन्ने पे लिखा था मैं दुनिया को बदल दूंगा, उसने दूसरा पन्ना पलटा, लिखा अब तो मैं युवा हो गया हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने देश को बदल दूंगा, तीसरा पन्ना पलटा, अब तो मेरी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, आधी उम्र निकल गई, देश बहुत बड़ी बात है, मैं अपने समाज को बदल दूंगा, फिर पन्ना पलटा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, समाज भी बहुत बड़ा है, मैं अपने परिवार को बदल दूंगा, और अगला पेज पलटा, उस पर कुछ नहीं लिखा था। और उसने तब कहा न दुनिया न देश न समाज न परिवार, अगर पहले दिन मैं सोचता कि मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा तो मैं दुनिया को परिवर्तन कर सकता था। जीवन में स्वयं को परिवर्तन कर लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, दुनिया को तो आप वैसे ही परिवर्तन कर लेंगे। यहाँ भी कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है अपनी कमियों का भी पता होना और अपनी विशेषताओं का भी पता होना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, जैसे कि कहा और आप लोग लिख भी रहे हैं अपने सवाल,
अपनी समस्या, अपने सुझाव, अपने समाधान या अपने टॉपिक जिसके बारे में आप सुनना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम सबको तक तो नहीं पहुंच सकते, आपको ये लिंक मिलती है तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उन्हों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सकेगा। इस नए कार्य में ज़रूर सहयोग करें। तब तक के लिए नमस्कार।